राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड सुंदरनगर मंडल के अंतर्गत आउटसोर्स के कर्मचारियों की बैठक बिजली बोर्ड के विश्राम गृह उप महासचिव जगमेल सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस अवसर पर बिजली मंडल सुंदरनगर के तहत आने वाले तमाम आउटसोर्स वर्कर्स ने प्रदेश सरकार और बिजली बोर्ड प्रबंधन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए धरना प्रदर्शन किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर इम्प्लॉयज यूनियन के उप महासचिव जगमेल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार के इस तरह के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा की और उन्होंने कहा कि जो कर्मचारी 1 नवंबर 2016 से रखे गए हैं बिजली बिलों के विवरण का काम कर रहे हैं, मगर हैरानी की बात यह है कि संबंधित फर्म के किसी कर्मचारी का पूरा वेतन नहीं दिया जा रहा है। 2 महीने से लेकर 7 महीने तक वेतन लंबित पड़ा हुआ है और इसके अलावा ईपीएफ भी किसी कर्मचारी का पूरा जमा नहीं करवाया गया है। ईपीएफ का पैसा भी फर्म के ठेकेदार डकार रहा है। इसी तरह से प्रदेश भर में निजी सेवा प्रदाताओं के कर्मचारियों का शोषण जारी रखा गया है, लेकिन प्रदेश सरकार और बोर्ड मैनेजमेंट मुख्य दर्शक बनी है। एम्प्लॉयज यूनियन बिजली बोर्ड प्रबंधन से मांग करती है कि जो न्यूनतम वेतन प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है इन कर्मचारियों को दिया जाए और डीडीओ ठेकेदार को पेमेंट तब तक ना करें जब तक हर महीने के ईपीएफ खाते में प्रत्येक कर्मचारी के पैसे जमा न हो और आज तक जो ईपीएफ जमा नहीं करवाया गया है उसकी वसूली ठेकेदार फर्म से की जाए। संघ ने यह भी मांग की है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए और भविष्य में बिजली बोर्ड अपने स्तर पर कर्मचारी रखे ताकि बिचौलियों द्वारा जो युवाओं का शोषण किया जा रहा है वह रुक सके। बैठक में मुख्य सलाहकार पद्मनाथ शर्मा, उप प्रधान बिहारी लाल, सुंदरनगर के प्रधान दिनेश ठाकुर, नरेश चौहान, आउटसोर्स कर्मचारियों की ओर से राजेंद्र कुमार, प्रेम सिंह, पंकज कुमार, जगदीश कुमार, नरेंद्र कुमार आदि मौजूद रहे। लगभग 2800 के करीब आउटसोर्स के कर्मचारी हैं और आउटसोर्स के कर्मचारी के साथ जो शोषण किया जा रहा है उसके लिए एचपीएससी एम्प्लॉयज यूनियन आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ एकजुट है। साथियों, जहां बिजली बोर्ड के कर्मचारी का ईपीएफ जो इम्प्लॉयर का शेयर है वो 13.6% है और इसके साथ साथ जो इम्प्लॉयज की तरफ से जो शेयर जाएगा वो 12.5% है, लेकिन बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि कर्मचारियों के खाते में किसी के 200 रुपए जा रहा है, किसी के 300 रुपए जा रहा है और किसी कर्मचारी का ईपीएफ नंबर भी नहीं है और इसके साथ साथ एक साल के करीब करीब कुछ कर्मचारियों का कुछ भी नहीं कटा और आज की तारीख में कुछ सुंदरनगर में जो कार्यरत कर्मचारी है इनमें के किसी के 2 महीने की पे पेंडिंग है, किसी की 6 महीने की पेंडिंग है, किसी की 7 महीने की पे पेंडिंग है और डीडीओ को देखना चाहिए कि जब तक उनको पेमेंट नहीं की जाती तो उसको ठेकेदार को उसकी पेमेंट हेल्ड की जानी चाहिए और ठेकेदार एक किस्म से उन मीडिएटर बनके कर्मचारियों का शोषण कर रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाई जाए और इनको बोर्ड के अंतर्गत इनको लाया जाए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित रह सके। पिछली सरकार के दौर भी कुछ कर्मचारी रखे गए आउटसोर्स में, इस सरकार के दौरान भी आउटसोर्स के ऊपर कर्मचारी रखे हैं, लेकिन इन नौजवानों के लिए स्थायी रूप से बिजली बोर्ड अपने अंतर्गत लाए ताकि इनका भविष्य सुरक्षित हो सके, अन्यथा इनका ठेकेदार जब चाहे इनको निकाल सकता है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रथा को, आउटसोर्स की प्रथा को आने वाले समय के लिए टोटली बंद कर दिया जाए और बिजली बोर्ड अपने अंतर्गत कर्मचारियों को ले।